नमस्कार, न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि मारवा। तो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच चुका है अटल जी का परिवार। आपको बता दें, अस्थियां लेकर जौलीग्रांट एयरपोर्ट परिवार पहुंच गया है। तो गृहमंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह भी मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में कलश यात्रा शुरू हो जाएगी। तो आज अटल जी की अस्थियों को बहा दिया जाएगा गंगा के अंदर। आपको बता दें, गृहमंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह मौजूद रहेंगे उस दौरान। तस्वीरें आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर। जौलीग्रांट एयरपोर्ट विमान पहुंच चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी हरिद्वार पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं। तो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच चुका है अटल जी का परिवार, जहां पर आज अस्थि विसर्जन किया जाएगा। अस्थियां लेकर जौलीग्रांट एयरपोर्ट परिवार पहुंच चुका है फिलहाल। तो गृहमंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, कलश यात्रा थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है, जहां पर एक आखिरी बार आम लोग भी एकजुट होकर अपने प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक आखिरी बार श्रद्धांजलि दे सकेंगे। और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए परिवार रवाना हो जाएगा राजनाथ सिंह के साथ, जहां पर आज हर की पैड़ी पर अस्थि विसर्जन किया जाएगा। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह भी मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में कलश यात्रा शुरू होने वाली है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी हरिद्वार पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं। तो कल ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद गंगा घाट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया, सुनिश्चित किया कि सारी तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें, राज्यपाल के पॉल भी मौजूद रहेंगे। कलश यात्रा हरिद्वार के भला कॉलेज से शुरू होगी, मुख्य बाजार होते हुए हर की पैड़ी पहुंचेगी कलश यात्रा। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? परिवार हर की जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच चुका है। देखिए, परिवार के लोग जो है जौलीग्रांट पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद जो है वो भल्ला कॉलेज पहुंचेंगे और भल्ला कॉलेज में जो है तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। और जैसे ही जो है वो लोग जो है परिवार के लोग भल्ला कॉलेज पहुंचते, उसके बाद जो है वहां से अस्थि कलश यात्रा शुरू होगी, जो मुख्य बाजार से होते हुए हर की पौड़ी तक पहुंचेगी। तमाम जगह पर जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोग जो है उनके आखिरी दर्शन कर पाएंगे, उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अटल जी अस्थियां 100 से ज्यादा नदियों में जो है देश भर की जो है अस्थि विसर्जन होगा, तो उसी में जो है सबसे पहला जो है हर की पैड़ी पर जो है ये काम अस्थि विसर्जन होगा। कहा जाता है कि ब्रह्मकुंड में जो है यहाँ पर, यानी कि हर की पैड़ी पे जिन लोगों की अस्थियां विसर्जित होती हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें स्वर्ग मिलता है। तो ये ऐसी मान्यता कहा जाता है कि गंगा मैया में जो है जो लोग आस्था से जो आते हैं, यहाँ पर जो है गंगा मैया पर तमाम लोगों का विश्वास है। यहाँ पर तमाम बड़े नेता जो है कुछ देर में पहुंचेंगे, मौजूदगी रहेगी और लाखों की संख्या में लोगों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके साथ ही गंगा सभा ने जो तैयारियां की उनके द्वारा ये भी बताया गया कि वो जो है जो बाहर से लोग आएंगे, जो परिवार के लोग हैं होंगे, उनको जो है पीतल की जो है मटकी में गंगा जल प्रसाद के स्वरूप में दिया जाएगा। इसके साथ ही जो है इलायची दाने का प्रसाद, जो गंगा मैया का जो है प्रसाद होता है, वो प्रसाद भी दिया जाएगा। तमाम जो है व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही जो है गंगा सभा ने जो तैयारियां की है उसमें जो है कल देर रात से जो है तैयारियां चल रही थी। अगर रूट की बात की जाए तो खुद जो है दो बारी जो है रूट परिवर्तन किया गया है। और जिस तरीके से जो है भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्याम दाजू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नहीं चाहते थे कि किसी को भी जो असुविधा का सामना करना पड़े, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो है अटल जी के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में जो है पहुंचने की लोगों में जो है लग दिखाई देगी, तो जो है कहीं ना कहीं रास्ते बाधित होंगे, ट्रैफिक।